बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मूली के पराठे बनाने जा रहे हैं, तो देख लें इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक मैंने मूली ली है, इसे छील लिया, अब मैं इसे कद्दूकश कर लूंगी। दो पीस कर लिए हैं इसके मैंने, और थोड़ा सा बटर फ्राई पैन में डाल लिया। आप इसको कद्दूकश करके फ्राई पैन में डाल दें, फिर उसके बाद मैं आपको मसाले बताती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने मूली को कद्दूकश कर लिया है, और बटर मैंने आपको पहले ही दिखाया था। इसके अलावा मैंने इसमें एक छोटा सा ये आलू डाला बारीक बारीक काट के, ये इसको जोड़ने का काम करेगा और फिर इसके जायके को भी थोड़ा सा माइल्ड कर देगा, क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग होता है मूली का जायका। और ये है दो बुलेट चिलीज, इसमें मैंने सिर्फ अभी ये डाला है। और अब हम इसमें हाफ लेमन जूस डाल देते हैं, ये हाफ लेमन जूस चला गया। देखिए मूली के बहुत सारे फायदे हैं, और बहुत से लोग इसे चाह के खाते हैं, लेकिन सिर्फ स्मेल की वजह से वो इसे बनाना पसंद नहीं करते कि सारे घर में मसला पड़ जाता है। अगर आप ऐसे कुक करके बनाएंगे ना, फिर ऐसी खुशबू आपको कोई तंग नहीं करेगी, वो खुशबू पकाने से बिल्कुल फिनिश हो जाती है, और यू विल बी सरप्राइज्ड कि ऐसे बहुत ईजी होता है और टेस्ट भी बहुत आला बनता है। जो आप कच्चे का बनाएंगे, फिर आपको मूली को बहुत ज़्यादा निचोड़ना पड़ता है, और वो फिर भी उसमें पानी रह जाता है जब आप रोटी बना रहे होते हैं, वो रोटी से निकल रहा होता है। सो ऐसे मसले मसाले आते हैं, इसमें वो ऐसा कुछ नहीं होएगा। तो बाकी चीज़ें मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ। जो मसाले इसमें जाने हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा फ्रेश धनिया, थोड़ी सी सूखी मेथी 1.5 टेबल स्पून, 1 टीस्पून ऑफ जीरा, तो इसके अलावा ये है 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिली, 1/2 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली, और 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून टर्मेरिक। तो अब हम इन मसालों को मूली में ऐड कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं चूल्हा मैंने फुल पे ऑन कर दिया है, और इसका बटर अब मेल्ट हो रहा है। तो अब इसमें आप सारे मसाले डाल दें, और इसे मिक्स कर लें ताकि नीचे ना लग जाए। इसको ज़रा इतनी हद तक पकाना है कि इसका जो सारा है ना पानी वो फिनिश हो जाए। जब पानी फिनिश हो गया, अच्छे से भून गया और आलू सॉफ्ट हो गया, तो बस ये तैयार है। और आलू हम ऐसे डोई की मदद से उसको खुद ब खुद इसमें ऐसे तोड़ देंगे जब ये पकना शुरू हो जाएगा। तो अब हम इसे भूनेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। ऐसे मूली भी पक जाएगी और इसका जायका भी बहुत आला आता है रोटी में। अगर नीचे लगने का आपको खतरा हो तो थोड़ा सा आँच को कम कर दें, मीडियम पे लें, ताकि आराम से भून सके। तो मैं आपको दिखाती हूँ तकरीबन 10-15 मिनट के बाद। अब आप देख सकते हैं इसका पानी तो तकरीबन फिनिश हो गया, मैंने इसकी आंच थोड़ी सी कम कर दी है। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मैं और डाल रही हूँ, मुझे ज़रा कम लग रहा है, 1/4 टीस्पून आप और डाल दें। आप अपने हिसाब से ना इसे खा के देखें कि इसमें पूरा नमक आना चाहिए, तब आपकी रोटी में नमक आएगा। अब मैं इसको 2-3 मिनट के लिए ढक रही हूँ ताकि आलू अच्छे से गल जाए। देखिए ये टूट रहा है माशाल्लाह, लेकिन फिर भी मैं इसे थोड़ा सा ढक देती हूँ ताकि आलू अच्छे से फुली गलना चाहिए। ये देखें हल्का सा 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 ना वैसे टूट रहा है। तो चलें मैं 2-3 मिनट के दम के बाद आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने 2-3 मिनट का दम दिया है, और माशाल्लाह ये बिल्कुल आलू अब सॉफ्ट हो गया ये देखने। अब आपने करना क्या है कि इसमें पहले तो ये सारे ग्रीन स्टफ डाल दें, और अब इसे मिक्स करके ना चूल्हा ऑफ कर दें। अब इसे मिक्स कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें, और चपाती वाला जो आम आटा बनाते हैं ना आप, वो भून के रख लें। आप आटा थोड़ा सा सख्त रखें ताकि बनाने में आसानी हो, बहुत ज़्यादा ढीला ना हो। अब आप इसे अच्छे से मिक्स करके छोड़ दें, और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, फिर हमने इसके बनाने हैं परौठे। हाथ से या चम्मच से आप इसे ऐसे ना मैश कर लें हल्का सा, जो आलू है ना यानी कि ये मैश हो जाए, फिर ये इसको ऐसे पकड़ने का काम करेंगे ना, तो फिर आपको ज़रा आसानी होगी बनाने में पेड़े के अंदर। तो इसे हल्का सा हम मसलेंगे आज के साथ बनाने से पहले परोठा। तो अभी ये माशाल्लाह तैयार है, और इसको बिल्कुल 100% ठंडा करें।
गरम ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो रोटी बनाने में आपको मुश्किल आएगी। चले मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब हमारा मसाला ठंडा हो चुका है, तो देखें एक पेड़ा आपने थोड़ा सा बड़ा बनाना है ये देख लें आप, और एक थोड़ा सा छोटा बनाना है। तो पहले हम लेते हैं जी जो छोटा पेड़ा है ना, उसको पहले थोड़ा सा रोल आउट करके रख दें। इसको रोल आउट करके आप साइड पे रख दें क्योंकि ये ऊपर आएगा। इसको आप इधर रख दें और आप बड़े को रोल आउट कर लें। बिस्मिल्लाह, इसको रोल आउट कर लें, इसको उससे थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब इसके नीचे काफी सारा आटा लगा दें ताकि चिपके ना ऐसे करके ना। अब इसको इसके ऊपर रख के अब आप पहले इसको डिवाइड कर लें कि कितने पराठे आपने बनाने हैं ना, जितने भी बनाने हैं उस हिसाब से आप इसके पोर्शंस कर दें। ये तकरीबन 4 to 5 पराठे इसके आराम से बन सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर बटर लगा लें, बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने हल्का सा डाला था ना, ये हल्का सा बटर लगा दें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं। अब ऊपर वाला पराठा लें, ये रोटी ऊपर रखा दें ऐसे, और इसको इधर से टर्न कर दें चारों तरफ से ताकि ये एजिस से बाहर ना निकले। अब आप इसको अच्छे से ऐसे ऐसे कर लें और फिर हम इसको रोल आउट कर देते हैं। बस थोड़ा सा इसको नीचे ले जाएं ताकि वो जुड़ जाए अच्छे से। अब इसको आटा लगा के हम अच्छे से रोल आउट कर लेते हैं। हमने तवा रख दिया, हाई हीट पे रख दें या 1 डिग्री कम कर दें। चलें जी ये माशाल्लाह इवन आउट हो चुका है। अब हम तवे को देख लेते हैं और जब तक हम दो और छोटे पेड़े कर लेते हैं सेकंड रोटी के लिए। मैं आपको तवा दिखाती हूँ। अब देख सकते हैं अब एक साइड हो गई है, तो हम दूसरी साइड कर देते हैं माशाल्लाह इसकी। जब इतना ही दूसरी साइड से हो जाएगा तो उसके ऊपर हम हल्का सा तेल लगा देंगे। अब इसी तरीके से हम बाकी सारे भी एक एक करके तैयार करते जाएंगे। इसको एडजस्ट से थोड़ा सा ऐसे कर लें ताकि साइडों से भी पक जाए। इसको आप ग्रीक योगर्ट के साथ खा सकते हैं अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है, और अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो फिर यूं करें कि योगर्ट कोई सादी योगर्ट लेकर ना उसमें थोड़ी सी चाट मसाला डालें और थोड़ी सी क्रश्ड रेड चिली, थोड़ा सा सॉल्ट और प्याज बारीक बारीक काट के डालें। अगर आप चाहें तो 1 पिंच ऑफ लहसुन अदरक का भी उसमें डाल दें, उसका तीखा टेस्ट आएगा। और इस चटनी के साथ आप इस रोटी को सर्व करें तो बहुत टेस्टी लगती है, या फिर ग्रीक योगर्ट सेकंड ऑप्शन है। अब हम इसके ऊपर तेल डाल देते हैं। वाली साइड पे भी थोड़ा सा तेल लगा दें। तो प्लीज आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे लगे हैं। देख लें जी अब ये माशाल्लाह तैयार है। अब आप इसके ऊपर बटर लगा के सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।